हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे चार्ज कैपेसिटर्स ऑन कॉमन पोटेंशियल। दो कैपेसिटर्स को आप कंसीडर करें, एक C1 कैपेसिटी का है, दूसरे C2 कैपेसिटी। इनिशियली इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है। पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर पर V1 है और इस कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। ये कॉमन पोटेंशियल पर आएगा कैसे? दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। कॉमन पोटेंशियल पर तभी आएगा जब दोनों कैपेसिटर को एक दूसरे से कनेक्ट करें। कनेक्ट करने का दो तरीका है। केस फर्स्ट, कनेक्टेड इन पैरेलल पैटर्न्स। पैरेलल पैटर्न्स का सेंस आप लोग समझते हैं कि पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टुगेदर, नेगेटिव एंड नेगेटिव टुगेदर। In this case, charge will transfer from higher potential capacitor to lower potential till the potential become common. अब इसमें से हमने ये consider किया कि first capacitor का जो potential difference है greater than second capacitor, V1 greater than V2. Applying charge conservation, हमने charge conservation को, charge conservation से पहले ये सोचिए कि चार्ज का ट्रांसफर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। इन दिस केस चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल कैपेसिटर टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल बिकम कॉमन। जब तक कि पोटेंशियल कॉमन नहीं होगा हायर टू लोअर ट्रांसफर। V1 ग्रेटर देन V2 दिया मतलब इससे चार्ज ट्रांसफर होकर इस पर आएगा। कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन नहीं। अप्लाइंग चार्ज कंजर्वेशन, इनिशियली दोनों पर चार्ज Q1 Q2 था। जब एक से चार्ज का ट्रांसफर दूसरे पर होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पहले अगर फर्स्ट कैपेसिटर पर Q1 चार्ज था और दूसरे पर Q2 था तो अब पहले पर अमाउंट ऑफ चार्ज चूंकि वहां से ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज करेगा और दूसरे पर इंक्रीज करेगा। हमने Q1 डैश ले लिया और Q2 डैश। बिफोर कनेक्टिंग टोटल चार्ज कितना था? C1 V1 plus C2 V2 कॉमन पोटेंशियल। यहां से कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला ये होगा। आप Q के टर्म में लिखेंगे C1 plus C2 और कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे C1 V1 plus C2 V2 C1 plus C2। फार्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। केस टू, कनेक्टेड इन सीरीज पैटर्न। सीरीज पैटर्न मतलब पॉजिटिव प्लेट विथ नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर। सीरीज में हमने कहा था कि एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होता है, तो इसके पॉजिटिव को अगर इससे कनेक्ट कर दीजिए और इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए तो सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा। सीरीज में कनेक्शन होने पर एक प्लेट पर आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। अब Q1 माइनस Q2, जहां पर प्लस Q2 लिख रहे थे वहां पर माइनस Q2 क्यों? आप देखिए इसके पॉजिटिव को जब इसके नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर प्लस Q1 लिखेंगे तो इस पर माइनस Q2 लिखेंगे, तो टोटल चार्ज Q1 माइनस Q2। कॉमन पोटेंशियल के केस में Q1 डैश प्लस Q2 डैश हम लिखेंगे, तो यहां पर फिर से देखिए C1 V1 minus C2 V2 equal to C1 V plus C2 V equal to C1 V1 minus C2 V2 ऐसे। देखिए दोनों फर्क क्या है? सिर्फ प्लस के बजाय माइनस। अगर चार्ज के टर्म में यहां भी लिखेंगे तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हो गया कि दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्ट हुआ या सीरीज में कनेक्ट हुआ तो कॉमन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब वहां के बाद से आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टिल द कॉमन पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जब चार्ज का फ्लो होता है तो इस क्रम में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो केस फर्स्ट, कनेक्टेड इन पैरेलल पैटर्न पर देखिए।
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वन वी स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी स्क्वायर, हाफ सी वन प्लस सी टू वी स्क्वायर, वी इज द कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल वी इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वन प्लस सी टू वी स्क्वायर। अब यहां से देखिए कि इनिशियल का वैल्यू ये है और फाइनल का वैल्यू ये है, लेकिन यहाँ पर वी इज द कॉमन पोटेंशियल है, ये कॉमन पोटेंशियल भी यहाँ से कैरी होकर यहाँ पर आया है और कॉमन पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। तो इस वी के जगह पर अगर इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट कर दें, तो रिजल्ट आपका हो गया हाफ सी वन प्लस सी टू और वी के जगह पर ये है। अब यहाँ से देखिए इसको और आगे कंटिन्यू कीजिएगा, तो ये C1 plus C2 है और ये C1 plus C2 का पावर 2 है, तो एक पावर क्या होगा कैंसल आउट होगा, तो नीचे पावर कितना बचेगा 1 बचेगा, और A plus B का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए तो A स्क्वायर plus B स्क्वायर plus 2 AB। इस तरीके से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये है। नाउ कैलकुलेट U इनिशियल माइनस U फाइनल, चूंकि लॉस का स्टडी कर रहे हैं तो लॉस का मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगा और फाइनल वैल्यू कम होगा, इसलिए हमने इनिशियल में से फाइनल को सबट्रैक्ट किया। अब इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो इनिशियल का जो वैल्यू है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये देखिए, इसको हमने यहाँ पर रख लिया है, फाइनल वैल्यू को हमने यहाँ पर रख लिया। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम हमने ले लिया, टू सी वन प्लस सी टू एलसीएम हो गया, ये यहाँ से जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये सारा माइनस है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब देखिए बारी बारी से इसको इसके साथ, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर। अब यहां से ये माइनस यहां से कैंसल आउट हो गया, ये प्लस यहां से कैंसल आउट हो गया। अब यहां से देखोगे तो C1 C2 C1 C2 C1 C2 दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में कॉमन है, इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, लेफ्ट साइड आप लोग नोट कर लीजिए एक से दो मिनट में, उसके बाद हम आगे। अब देखिए तो फाइनल रिजल्ट यहां से क्या रह गया, U इनिशियल माइनस U फाइनल का वैल्यू आप लिखेंगे तो आफ्टर कैंसिलेशन C1 C2 कॉमन हो गया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2। अब यहां से इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ C1 C2 C1 plus C2 V1 minus V2 का होल स्क्वायर, ये हो गया U initial minus U final, loss of potential energy formula for loss in potential energy। कॉमन पोटेंशियल होने तक जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जो स्टूडेंट 11th पढ़े होंगे, कॉलेजन पढ़े होंगे, तो याद होगा कॉलेजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालते थे, यहां पर लॉस ऑफ पोटेंशियल, दोनों का पैटर्न एक जैसा है, वहां पर मास m1 m2 लिखा करते थे, m1 plus m2 कैपेसिटेंस के जगह पर मास था और पोटेंशियल के जगह पर वेलोसिटी था, फॉर्मूला मिलता था। अब जरा सोचें कि अगर ये रिजल्ट हम सेकेंड केस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, चलिए 3 मिनट का टाइम दिया आप लोगों ने, क्या सोचा इसमें, जब कनेक्टेड इन सीरीज पैटर्न होगा तो देखिए फर्क क्या पड़ेगा, वहां पर सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू था, यहां पर माइनस, कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होता, तो C1 V1 प्लस C2 माइनस V2 होगा। अब यहां से जो प्लस V2
आ रहा था केस फर्स्ट में, वहीं पर क्या पुट करेंगे माइनस वी, मतलब वी वन माइनस वी टू जो था, तो वी टू के जगह पर माइनस वी टू पुट करेंगे, ये वी वन प्लस वी टू का होल स्क्वायर। ये हमने टेक्निकली आपको बता दिया, एकदम शॉर्ट टेक्निक, कैसे सोचेंगे कि वहां माइनस था तो यहां प्लस था। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं हमको प्रूफ करके ही देखना है, तो फिर जितना कैलकुलेशन उसमें था उतना ही कैलकुलेशन फिर से करना होगा। कॉमन पोटेंशियल वहां प्लस यूज करते थे, यहां पर माइनस। अब सवाल ये उठता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है वह कन्वर्ट किस फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप जानते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है तो ये कन्वर्ट कहां होगा? निश्चित रूप से हीट जनरेट होता है। क्या जनरेट होगा? हीट। जो जिस वायर से कैपेसिटर को आपने कनेक्ट किया है उस वायर में हीटेड होगा, उसमें हीट प्रोड्यूस होगा और कैपेसिटर भी आपका हीटेड होगा, कैपेसिटर भी आपका गर्म होगा। तो हमने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट, लॉस ऑफ मोस्ट ऑफ द लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इंटू हीट। हमने मोस्ट ऑफ क्यों लिखा, इसका मतलब है कि कुछ पार्ट कहीं और भी जाता है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है हीटेड होने के बाद कि लाइट एनर्जी स्पार्किंग आपको मिलेगा। स्पार्किंग समझते हैं ना, स्पार्क जब करता था तो लाइटनिंग एनर्जी, लाइट के फॉर्म में भी एनर्जी निकलता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, या तो नहीं होता है या तो बहुत कम होता है। और जब स्पार्किंग होता है तो उस स्पार्किंग के क्रम में साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। ये सब बातें समझ रहे हैं ना, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो कुछ पार्ट साउंड एनर्जी में भी जाता है, कुछ पार्ट लाइट एनर्जी में भी जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट कहां गया? मोस्ट ऑफ द पार्ट हीट एनर्जी में गया। तो हम लोग ये यहां पर लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी माइनस क्यों रहा है, माइनस का मतलब लॉस हो रहा है, डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल माइनस फाइनल अगर पॉजिटिव है तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव होगा। ये लॉस, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच हीट प्रोड्यूस्ड, टोटली हीट प्रोड्यूस्ड में कन्वर्ट होता है, जो कि हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट लिखा है। तो हीट एनर्जी ही मैक्सिमम कन्वर्ट होता है, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी नेगेटिव होता है। चलिए, अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी किया है उसी पर बेस्ड की एग्जांपल फर्स्ट है। इस एग्जांपल फर्स्ट को आप लोग पहले स्टडी कीजिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन लिखा है टू आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स हैव रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर से जो कैपेसिटेंस होता है, आप लोगों को याद होगा आइसोलेटेड स्फेयर का कैपेसिटेंस वैल्यू आप लोग क्या लिखते हो, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मतलब कैपेसिटेंस डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेडियस होगी। इसमें फर्स्ट स्फेयर का रेडियस अगर आप r1 कंसीडर कर लें तो ये सेकेंड स्फेयर का रेडियस r2। They have charge of 12 microcoulomb and minus 3 microcoulomb. Starting में first capacitor पर charge Q1 है और second capacitor पर charge Q2 है. Find the charges after they are connected by a conducting wire. जब conducting wire से connect किया जाता है तब उस पर charge का value क्या होगा? जैसा कि आप पहले से समझते हैं कि कंडक्टिंग वायर से जब कनेक्ट किया जाता है तो चार्ज का ट्रांसफर एक से दूसरे पर तब तक होता है जब तक कि पोटेंशियल कॉमन नहीं होता है। हालांकि लास्ट में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, कॉमन पोटेंशियल भी रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कैलकुलेट करना है। ये सेकेंड पार्ट तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल के फार्मूला से ही आप आंसर कर सकते हैं, क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू। अब यहां से
Q1 का वैल्यू कितना दे रखा है 12 माइनस 3 माइक्रोकूलम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R। दिस वैल्यू गिव्स द कॉमन पोटेंशियल 9 × 10⁻⁶ कूलम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ और R1 प्लस R2 5 + 10 15 × 10⁻²। टोटल ऐसा यूनिट में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको आप मैनिपुलेट कीजिए 81/15 इंटू ये पॉजिटिव पावर 3 होगा और इधर से चला जाएगा तो 10⁵ इतना वोल्ट वैल्यू होगा। फाइनल डिवाइड करके बताइए क्या आ रहा है। चलिए तो ये फाइनल आंसर सबका ही आया होगा 5.4 × 10⁵ वोल्ट। चलिए आगे अब सेकंड स्टेप देखें, प्रत्येक पर चार्ज का वैल्यू क्या। तो Q1′Q2′C1V×C2 कॉमन पोटेंशियल कैंसिल आउट C1×C2 और कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R1/R2 5/10⁻²। बट Q1′Q2′ टोटल चार्ज Q1+Q2 = 9 μC। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से आप देखेंगे तो Q2' का वैल्यू Q1' से 2 टाइम्स है, तो Q2' के जगह पर 2Q1' हमने पुट कर दिया 9 माइक्रोकूलम, Q1' 3 माइक्रोकूलम, Q1' 3 माइक्रोकूलम, तो यहां से Q2' का वैल्यू 6 माइक्रोकूलम। अभी हमारा आंसर एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल वन के पैटर्न पर एग्जाम्पल नंबर टू है बट थोड़ा सा चेंज किया गया है। टू आइसोलेटेड मेटलिक सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर वन की जगह पर कैपिटल लेटर आर, आर टू की जगह पर 2R, वहां पर 5 cm 10 cm था, उसके जगह पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में R एंड 2R सच दैट बोथ ऑफ दीज हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे चार पर यूनिट एरिया होता है। द स्फीयर्स आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड टू ए थिन कंडक्टिंग वायर, एक दूसरे से काफी दूर रखा जाता है एंड कनेक्टेड टू ए थिन कंडक्टिंग वायर, और थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। फाइंड द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन द बिगर स्फीयर, बिगर स्फीयर पर न्यू चार्ज डेंसिटी क्या होगा। अब यहां से देखिए, जब सिग्मा दोनों के सेम है लेकिन एरिया सेम नहीं है, दोनों पर चार्ज अलग अलग होगा। Q1 = σa1 Q2 = σa2 σ4πr² σ4π2r का होल स्क्वायर, तो 4π σr² 16π σr². अब यहां से कॉमन पोटेंशियल जब आप निकालेंगे तो कॉमन पोटेंशियल Q1 + Q2 / C1 + C2, तो ये वैल्यू आप Q1 और Q2 का पुटअप कर लीजिए, C1 प्लस C2 का वैल्यू पुटअप कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिए, देखिए ये वैल्यू 5/3 सिग्मा r / एप्सिलॉन। लेकिन कॉमन पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना ही काम था, हमें तो न्यू चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है ना, तो न्यू चार्जेस जो होगा शेयरिंग के बाद किसी पर Q1' किसी पर Q2', तो वो Q1' और Q2' लिखेंगे कैसे, तो Q1' के लिए C1 भी एंड Q2' के लिए C2। अब यहां से आप देखिए, द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन द बिगर स्फीयर, बिगर स्फीयर 2 नंबर है, तो सिग्मा 2' इक्वल टू चार्ज ऑन सेकंड स्फीयर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर, और Q2' का वैल्यू C2 / 4π 2r² 4r². ये टोटल वैल्यू आप देखेंगे तो C2 का वैल्यू 4π εr, भी का वैल्यू हमने रख दिया, ये वैल्यू हम मैनिपुलेट कीजिए 5/6 × σ। अब σ1' का वैल्यू 4π εr 5/3 σr / εr 16π² = 5/12 σ,
तो सिग्मा 2 डैश और सिग्मा 1 डैश का वैल्यू इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। हमसे क्वेश्चन में सिग्मा 1 डैश नहीं पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में सिग्मा 2 डैश पूछा गया। हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो चुका है। ये हमने बता दिया कि कुछ बुक में सिग्मा 2 डैश और सिग्मा 1 डैश दोनों ही पूछा गया है। चलिए एग्जांपल नंबर 3। A capacitor of 2 microfarad charged 250 volt is connected in parallel with another capacitor of 1 microfarad charged 220 volt. पहला जो ये दो तीन लाइन में डेटा लिखा है, इस कैपेसिटेंस को अगर C1 आप सोचें तो ये वोल्टेज का वैल्यू क्या है? V1। दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया है और दूसरा कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना है? C2। चार्ज टू 20 वोल्ट, 20 वोल्ट पर चार्ज किया गया है V2। ये V1, C1, V2। Find common potential, charge on each capacitor and the loss of energy. Common potential क्या होगा, charge on each capacitor क्या होगा, loss of energy क्या होगा। अब यहाँ से common potential का formula आप बार बार यूज करते आ रहे हैं, Q1 plus Q2 by C1 plus C2। बट यहाँ charges नहीं दिया हुआ है, capacitance and potential दिया हुआ है। तो C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2। अब यहां से C1 V1 2 into 50 plus 1 into 20 divided by C1 plus C2 2 प्लस 1 100 प्लस 20 y3 120 y3 40 वोल्ट। ये कॉमन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब इसके बाद जो चार्ज होगा Q1 डैश इक्वल टू C1 भी, C1 का वैल्यू 2 और कॉमन पोटेंशियल 40, कितना हो जाएगा? 80 माइक्रोकूलर। फिर जब Q2 डैश आप कैलकुलेट करेंगे तो Q2 डैश इज इक्वल टू C2 भी, तो C2 भी, तो यहां पर C2 का वैल्यू देखिए तो क्या है, 1 माइक्रोफैराड है और वोल्टेज कॉमन, वोल्टेज कॉमन पोटेंशियल 40 माइक्रो। इसके बाद क्या आपसे पूछा जा रहा है? लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू, डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। Putting the data, getting the result, half C1, 2 into 1, 2 plus 1, V1 minus V2, 50 minus 20 का whole square, देखिए कितना हो जाएगा, 50 minus 20, 30, 900 by 3, कितना हो जाएगा, 300, यही हमारा आंसर। प्रॉब्लम नंबर फोर में अ कैपेसिटर ए ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड। एक कैपेसिटर ए है जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू 4 माइक्रोफैराड। चार्ज टू 30 वोल्ट, कितने वोल्ट तक चार्ज किया गया? 30 वोल्ट। V1 30 वोल्ट, कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड। आगे क्या लिखा,
B of capacitance 2 microfarad, is charged to 15 volt. ये second capacitor है 2 microfarad का और वो 15 volt तक चार्ज किया गया है। C1, V1, C2, V2 भी है। आगे लिखा है, the positive plate of A is connected to the negative plate of B. फर्स्ट का पॉजिटिव प्लेट सेकंड के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया गया, मतलब इस तरीके से। उसके बाद इसका नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया गया। निश्चित रूप से पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटली कनेक्ट किया जाता है सीरीज पैटर्न में। इस सीरीज पैटर्न में कनेक्ट किया गया, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं सीरीज पैटर्न के केस में कॉमन पोटेंशियल आप क्या लिखते हैं, C1V1 - C2V2 / C1 + C2। यहां पर मॉड साइन ले लो, मॉड का मतलब बड़ा में से छोटा भाई को ये था। अब यहां से आप देखिए C1V1 30 × 4 = 120 हो गया और ये C2V2 60 हो गया और डिवाइडेड बाय C1 + C2 4 + 2 = 6 हो गया। तो C2V2 का वैल्यू C2V2 15 × 2 = 30। तो यहां से देखिए तो वैल्यू कितना आ गया, 90/6। तो V कॉमन पोटेंशियल 15 वोल्ट, कॉमन पोटेंशियल अगर 15 वोल्ट आ गया तो अब आगे हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, फाइनल चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर। तो फाइनल चार्ज Q1 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, C1 × कॉमन पोटेंशियल। C1 का वैल्यू 4 है, कॉमन पोटेंशियल 15 है, कितना वैल्यू हो गया, 60 माइक्रोफैराड। Q2 का वैल्यू आप फिर कैलकुलेट करेंगे, तो C2 × V, C2 कितना है 2 और V का वैल्यू कॉमन पोटेंशियल 15, 30 माइक्रोफैराड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं सीरीज पैटर्न में लॉस का फॉर्मूला हाफ C1 C2 / C1 + C2 V1 + V2 का स्पेशल यहां पर कम है होल स्क्वायर। यहां से देखिए हाफ C1 × C2 4 × 2 4 + 2 V1 + V2 30 + 15, ये कितना हो गया 4/6 = 45। देखिए कितना हो गया, चलिए थोड़ा सा आप लोग कॉपी में देखिए तो करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर V2 का वैल्यू -15 हम लोग रखेंगे, क्यों, आपको केयर करना है, फार्मूला V1 + V2 आया है लेकिन जब पोटेंशियल यहाँ V1 और V2 लिखते हैं तो पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस +30 होगा। इधर से इधर जब पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो +15 वोल्ट होगा, लेकिन जिस तरीके से कनेक्शन किया गया है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आप माइनस से प्लस की ओर ले देंगे, तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा -15। राइट से लेफ्ट प्लस से माइनस की ओर पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जब माइनस से प्लस की ओर करेंगे तब नेगेटिव होगा, इसलिए -15। तो 4/6 × 15 का स्क्वायर, 30 - 15 = 15 का स्क्वायर, फिर इसको मैनिपुलेट कीजिए 150 जूल इसका आंसर। प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं, एन आइसोलेटेड कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस
हैज बीन चार्ज टू पोटेंशियल वी नॉट। एक अननोन कैपेसिटेंस है, हमने अननोन कैपेसिटेंस को सीए कंसीडर कर लिया, कैपेसिटी इसका सीए है और पोटेंशियल डिफरेंस जहां तक इसको चार्ज किया गया है वो वी नॉट गिवन है पावर में। देखिए दिस कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी। एक दूसरे कैपेसिटर से इसको कनेक्ट किया गया है जिसका कैपेसिटी सी नोन है, गिवन वैल्यू सी है। अनचार्ज है मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस उस पर जीरो है, बिना चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। इफ कॉमन पोटेंशियल इज वी, कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू क्या दिया हुआ है वी। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग क्या लिखते हो, सी ए वी ए प्लस सी बी वी बी डिवाइडेड बाई सी ए प्लस सी बी। यहां पर सी ए हमें पता नहीं है, कॉमन पोटेंशियल प्रॉब्लम में गिवन है। आप देखिए प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि कॉमन पोटेंशियल वी है, सी ए हमें मालूम नहीं है, वी ए का वैल्यू वी नॉट है, सी बी सी है, वी बी का वैल्यू जीरो है, डिवाइडेड बाई सी ए प्लस सी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सी ए का वैल्यू। अब यहां से देखिए सी ए वी नॉट डिवाइडेड बाई सी ए प्लस सी नॉट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू वी। तो यहां से सी ए वी नॉट इक्वल टू सी ए वी प्लस सी नॉट वी। हमें फाइंड आउट करना है सी ए को, तो सी ए कॉमन कर लेते हैं, तो वी नॉट माइनस वी इक्वल टू सी नॉट वी, तो सी ए इक्वल टू सी नॉट वी डिवाइडेड बाई वी नॉट माइनस वी, हमारा आंसर हो गया। आप लोग अच्छे समझ गए, सिर्फ कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला लिखना था, गिवन डेटा को डब करना है, जो अननोन वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए इस प्रॉब्लम 7 नंबर में क्या गिवन है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी नॉट इज चार्ज टू ए सर्टेन पोटेंशियल एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज यू नॉट। पहले कैपेसिटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया है कि एनर्जी स्टोर्ड यू नॉट है। इस फॉर्मूला में यू नॉट इक्वल टू हाफ सी नॉट वी वन स्क्वायर में यू नॉट गिवन है। आप प्रॉब्लम में देखिए जो यहां पर हमने दिखलाया यू नॉट गिवन है, कैपेसिटेंस सी वन सी नॉट भी गिवन है लेकिन वी वन गिवन नहीं। सेकेंड लाइन में बढ़िए, नॉट दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्टेड किया गया है टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। अनचार्ज कैपेसिटर सी है उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया, मतलब सी टू का वैल्यू दिया हुआ। अनचार्ज होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला आप ये यूज करते हैं, अब पुट कीजिए सी वन का वैल्यू C0, C2 का वैल्यू C, V1 पता नहीं है, V2 जीरो। ये पुट करने के बाद रिजल्ट किया है, लेकिन V1 गिवन नहीं है, तो V1 स्क्वायर को C0 के साथ शामिल कर दीजिए, तो हाफ C0 V1 का होल स्क्वायर C by C0 प्लस C। अब देखिए अही हाफ C0 V1 स्क्वायर का वैल्यू U0 दिया हुआ, तो इसके बदले अगर हम लोग U0 रख लें, यहाँ पर केयर कीजिएगा, ये ऐसा लग रहा है जैसे स्क्वायर टोटल पर है, बिल्कुल नहीं, हाफ सी नॉट वी वन स्क्वायर, वी वन स्क्वायर है, इसको और ठीक से ऐसे लिख, अब ठीक है, हाफ सी नॉट वी वन स्क्वायर इनटू सी वाई सी नॉट प्लस सी। तो यहां से आप देखिए तो डेल्टा यू का वैल्यू सी यू नॉट अपॉन सी नॉट प्लस सी, दिस विल बी योर आंसर। तो ये हमारा आंसर है। तो आज का जो क्लास हमारा रहा टोटली फोकस किस पर रहा, कि दो कैपेसिटर को या तो सीरीज पैटर्न या तो पैरेलल पैटर्न पर जब कनेक्ट करते हैं तो कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल के बाद दोनों पर चार्जेज क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है, और टाइप वाइज हर तरह का सवाल हमने इस टॉपिक से आपको कवर करवा दिया है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।